आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ दुर्वा से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। दुर्वा किस काम आती है, दुर्वा कब नहीं तोड़नी चाहिए, दुर्वा के क्या महत्व हैं, दुर्वा का ज्योतिषीय ग्रह से क्या संबंध है, ये सब जानकारी आपको मैं देने वाली हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए मित्रों और बेल बटन दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं मित्रों। दुर्वा जो होती है हरे रंग की होती है, और दुर्वा ग्रास जो होती है वो बुध ग्रह से प्रभावित होती है, या ऐसा कहें कि बुध ग्रह का प्रभाव इस पर होता है। सभी हरी चीज़ें बुध ग्रह के प्रभाव क्षेत्र में आती हैं। बुध की शांति अगर किसी को करनी है तो एक गमला लें, उसमें हरे रंग का पेंट करें और उसमें दुर्वा डेवलप करें। ऐसे गमले को किसी हिंजड़े को दान अगर आप दे देते हैं या नपुंसक व्यक्ति को आप दान दे देते हैं तो आपका बुध ग्रह बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है और आपको संपन्नता देता है और आपका व्यापार भी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर अच्छा चलने लगता है। गीली धूप पर अगर आप नंगे पैर चलते हैं तो आपका बुध ग्रह मजबूत होता है। घर में ग्रास वाले कारपेट मिथुन लग्न वाले या कन्या लग्न वाले अपने घर में बिछाते हैं तो उनका बुध ग्रह मजबूत होता है। वृश्चिक लग्न और मेष लग्न वालों को अभी अपने घर में जहाँ तक हो सके हरी चीज़ नहीं बिछानी चाहिए, हरा कारपेट या हरी बेडशीट भी नहीं बिछानी चाहिए। मेष लग्न वाले तो खास ध्यान रखें और वृश्चिक लग्न वालों को भी ये ध्यान रखना चाहिए। कर्क लग्न वालों के लिए भी हरा रंग अशुभ होता है, अतः इनको हरा रंग किसी भी कीमत पर प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। बुध के अच्छे होने के लिए हरे तोते को हरी मिर्च खिलानी चाहिए। कांसे की थाली में खाना खाने से बुध ग्रह मजबूत होता है। बुध के देवता विष्णु भगवान माने गए हैं और दुर्गा माता को माना गया है। कोई कोई लोग हरे गणेश जी को भी बुध के देवता माने जाते हैं, लेकिन हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि गणेश जी केतु के देवता हैं, तो केतु के देवता के रूप में ही उनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन हमारी कुछ मान्यताओं के अनुसार हरे गणेश जी को भी बुध ग्रह का स्वरूप माना जाता है, तो बुध ग्रह के लिए अच्छा होने के लिए हरे गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, विशेष रूप से मिथुन लग्न वालों को और कन्या लग्न वालों को। इन लोगों की कुंडली में राजयोग निर्मित होता है। हरे गणेश जी पर 21 दुर्वा के पीस चढ़ाने से बुध ग्रह मजबूत होता है। 21 ही चावल के दाने चढ़ाएं तो आपका शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। इसके दुर्वा के सब्स्टिट्यूट के रूप में मूंग भी चढ़ाए जा सकते हैं। नाक छिदवाने से बुध ग्रह मजबूत होता है। अब आपको बताती हूँ वो कौन सा दिन है जब आपको भूल कर भी दुर्वा नहीं तोड़नी चाहिए, तो जानिए वो दिन कौन सा है मित्रों। वो दिन है संडे, जब हम छुट्टी मनाते हैं और दुर्वा ग्रास कभी भी संडे को नहीं तोड़नी चाहिए। इसे तोड़ना उतना ही अशुभ होता है जितना तुलसी माता को तोड़ना। तो तुलसी को तोड़ना संडे को वर्जित माना जाता है। इसी प्रकार से दुर्वा ग्रास संडे को नहीं तोड़नी चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और मुझे आपके कमेंट बहुत प्यारे लगते हैं। अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो या ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसको लाइक करना मत भूलना। इसके अलावा शेयर भी किया कीजिए। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो वो लोगों से बांटिए, जितना बांटेंगे हमारा भला होगा और आपका भी भला होगा। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, लेकिन जाते जाते आपको अगली वीडियो में तो आऊँगी ये वादा करती हूँ, लेकिन आपको जाते जाते परामर्श शुल्क के बारे में बता देती हूँ कि परामर्श बहुत ही शुल्क नॉमिनल होता है और मैं ज्योतिषी हूँ, ज्योतिष संबंधी परामर्श देती हूँ, वास्तु संबंधी परामर्श भी देती हूँ और पामिस्ट्री संबंधी परामर्श भी देती हूँ।
आपको जैसी ज़रूरत है ऐसे आप मेरे बंदोबस्त कर सकते हैं और मेरे से परामर्श ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे हस्बैंड रेकी हीलिंग करते हैं, लामा फेरा करते हैं और इनमें बहुत मास्टरी है उनकी, और एंजल थेरेपी भी करते हैं। तो अगर ये आपको चाहिए, ये परामर्श चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।